हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लू ड्राई के ऊपर। जस्ट कटिंग करने के बाद हेयर को कैसे सेट करते हैं, आइए इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इस हेयर कटिंग को सेट किए थे। सो ये रहा हमारा फाइनल लुक। बिफोर एंड आफ्टर लुक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिख गई होगी। सो इस तरीके से आपको ब्लू ड्रायर सीखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा। एंड हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहेगी। सो यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होती है, जो कि हेयर कटिंग करने के बाद इनकी हेयर कुछ ज़्यादा ही गीली थी। सो फ्रेंड्स, इस हेयर को हम 70% ड्राई कर लेंगे एंड 30% इसको वेट ही रहने देंगे, क्योंकि हम जब हेयर पे ब्लू ड्रायर यूज करते हैं सेट करने के लिए रोलर ब्रश के साथ, सो उस टाइम हमें 30% हेयर गीली होनी चाहिए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो रोलर ब्रश हम इसमें यूज करेंगे। रोलर ब्रश चाहे आप एक भी यूज कर सकते हैं, दो भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास दो से अधिक है वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन होता है ना कि रोलर ब्रश को हम हीट प्रोवाइड करने के बाद वैसे ही बाल के ऊपर छोड़ देते हैं, जो कि ज़्यादा टाइम तक ये होल्ड करता है। एंड ये इस तरीके से रखने के बाद 1 वीक तक ये हेयर होल्ड भी करता है एंड थोड़ी सी कर्ल लाने में हमें बिल्कुल आसानी होती है। सो रोलर ब्रश जितनी भी हो, आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हेयर कर्ल बनेगा कम समय में। सो क्या होता है ना कि कर्ल किए और कॉम से निकाल के हेयर को छोड़ दिए। सो अगर आप क्लिप पीस पे लगा सकते हैं या फिर इसके फिक्स करने का रोलर अलग से भी आता है। सो अगर आप इस तरीके से हेयर कर्ल सीखना चाहते हैं सो आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। एंड हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी। कर्ल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जिस एंगल से हम हेयर को कट किए हैं उसी एंगल में हेयर को उठाकर उतनी डिग्री पे ही ले जाकर हेयर को कॉम के सहारे रखने के बाद इसको बिल्कुल प्रॉपर हीट देते हैं चारों साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इसी एंगल से हेयर को कट भी किए थे, तो इसी एंगल से ही हेयर को उठाकर इसे रोलर ब्रश की हेल्प से ड्राई कर रहे हैं। एंड जो भी हमारा प्रोसेस होता है, सबसे फर्स्ट में हम साइड लुक लेते हैं, चारों तरफ से हेयर पे हीट देते हैं, उसके बाद इन कर्ल करते हैं, फिर आउट कर्ल करते हैं। तो इसमें हम साइड कर्ल दे रहे हैं क्योंकि हमारा कटिंग इस तरीके से ही था एंड ये वाले कटिंग पे साइड कर्ल ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इस तरीके से एक कर्ल तो बना चुकी हूँ, मैं सेकेंड वाले पे भी वही प्रोसेस करूँगी जो मैं फर्स्ट वाले पे की थी। चारों तरफ से हेयर पे मैं हीट दूंगी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर रखती हूँ, क्योंकि हेयर पे भी डिपेंड करता है कि हमें टेम्परेचर कितनी रखनी होती है। तो टेम्परेचर, अगर इनकी हेयर काफ़ी मॉइस्चर है, बहुत ही प्यारी हेयर है, सो इस हेयर पे हम अगर थोड़ी सी अधिक भी हीट रखेंगे तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हेयर पे डिपेंड करता है। अगर आप जो हेयर ड्राई है पहले से ही बिल्कुल रूखे सूखे बेजान है उस पर अगर आप प्रॉपर ज़्यादा ही हीट अगर दे रहे हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो भी हेयर पे हार्मफुल करेगा। सो डिपेंड करता है कि हेयर किस तरीके की है। बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैं आपको डीपली बताने के लिए वीडियो को 10 मिनट तक की लेंथ रखी हूँ। अगर आप इस तरीके से वीडियो को देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हैं तो आप अच्छे तरीके से हेयर को सेट कर सकते हैं। कटिंग के बाद अगर आप इस तरीके से रोलर ब्रश के साथ हेयर सेट करते हैं तो वो 1 वीक तक होल्ड भी करता है एंड ये काफ़ी प्यारा लेयर आता है इसके ऊपर। कटिंग प्रॉपर दिखने लगती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं साइड कर्ल दे रही हूँ क्योंकि इनकी हेयर की लेंथ और हेयर की क्वालिटी जो है वो भी इसी तरीके से सूट करती है, जो कि मैं पहले भी इनके हेयर को कट की थी। सो इस तरीके से मैं लुक देती हूँ, इनके ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, हमें तो फाइनल लुक काफ़ी पसंद आया था एंड जिनकी मैं हेयर पे काम कर रही हूँ वो भी काफ़ी खुश थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक ज़रूर करें एंड खूब सारा शेयर करें ताकि घर बैठे भी लोग इस तरीके से हेयर फिक्स कर सकते हैं, हेयर को अच्छे से सेट कर सकते हैं। सो कभी भी अगर आप हेयर कटिंग ना भी लिए हैं और इस तरीके से हेयर को सेट करते हैं, सो किसी भी तरीके से पार्टी वियर में जाना है एंड शादी फंक्शन में जाना है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हेयर की जो लुक होती है, हेयर स्टाइल जो बनती है वो काफ़ी प्यारी लगती है हेयर सेट होने के बाद। सो अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो इसी तरीके से फिर से नॉर्मल हेयर बन जाती है। ये 1 वीक तक काम करता है, जब तक आप फर्स्ट वॉश नहीं करेंगे ना तब तक ये हेयर पर अच्छे से होल्ड करेगी। इसको करना क्या है कि जिस तरीके से हेयर को हम कट किए हैं, जितनी बड़ी बड़ी सेक्शन में हेयर को कट किए हैं उतना ही बड़ा सेक्शन हमें लेना है और उसको उसी एंगल पे ले जाके सेट करना है।
चारों तरफ से हेयर पे हीट देना है, नॉर्मली हीट। उसके बाद इन कर्ल करना है, फिर आउट कर्ल करना है। अगर साइड कर्ल दे रहे हैं तो आपको राइट एंड लेफ्ट पे ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके से रखना चाहते हैं। जिस तरीके से जिस एंगल में हेयर को रखना चाहते हैं उसके अपोजिट पहले अच्छे से हीट प्रोवाइड कर लें हेयर के ऊपर, उसके बाद आप जिसे रखना चाहते हैं उस तरीके के ऊपर रख सकते हैं। वो काफ़ी आसान होता है। जैसे कि हमें आउट कर्ल करना है तो सबसे ज़्यादा मैं इन कर्ल करूँगी, उसके बाद मैं लास्ट में आउट कर्ल दूँगी डबल टचअप, तब वो परफेक्ट लेयर बैठ जाता है। सो आउट कर्ल और इन कर्ल में यही फ़र्क होता है कि इन कर्ल अगर हमें रखना है तो आउट कर्ल हमें ज़्यादा देना होता है, एंड इन कर्ल जो होता है कि वो लास्ट में देकर उसे छोड़ते हैं। वो बहुत ही अच्छा कर्ल बनेगा एंड ये काफ़ी समय तक रहेगा भी। जैसे कि आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर, ये वाला कर्ल जो हम बना रहे हैं सबसे क्राउन एरिया का है, ऊपर का भाग है, ये बिल्कुल कटिंग का जो परफेक्ट भाग होता है वो दिखाता है। तो सबसे मेन होता है कि अगर यहाँ का हेयर कटिंग करते समय भी अच्छे से होनी चाहिए, यहाँ का थिकनेस भी अच्छी होती है, और सेट करने के समय हमें भी इस पर प्रॉपर ध्यान देना होता है। सो मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छा वाला कर्ल हमें मिले। एंड फाइनल लुक तो आप देख ही चुके हैं कि कितनी प्यारी हेयर सेटिंग भी थी। सो मैं इनकी हेयर कटिंग की वीडियो पहले पोस्ट की हूँ, अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें मिला। अगर वो वाला कटिंग पे हमें ये भी मैसेज भी आया था कि आप ब्लू ड्रायर नहीं बताते हैं ज़्यादातर, आप बताइए ब्लू ड्रायर हमें सीखना। सो मैं इसलिए इसको सूट करके रखी थी, तो मैं मैसेज के जरिए मैं सोची कि कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से कटिंग तो देख ही चुके हैं बट सेटिंग भी देख लें। तो ये फाइनल रहा हमारा लुक, जो मैं फ्रंट वाले लेयर को की थी, सबसे मेन पार्ट था जो फेस का होता है ये लुक। इस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई किसी कारण। सो इस तरीके से ये हमारा फाइनल लुक था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो। सो इसे हम फिंगर के जरिए खोलेंगे, जितनी इस पर हम फिंगर को फेरेंगे उतना ही अच्छा ये कर्ल बन जाएगा, एंड ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। सो ये काफ़ी अच्छा कटिंग भी हुआ था, इनकी हेयर भी बहुत ही अच्छी थी, जिस तरीके की हेयर होनी चाहिए इनके हेयर पे कटिंग भी शूट कर रहा था। सो अगर हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, अगर बहुत वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जैसे कि कटिंग से लेके, ज़्यादातर हमारे चैनल पे कटिंग की ही वीडियो होती है जो कि अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। कटिंग के साथ साथ मैं अधिकतर वीडियो में बताती हूँ कि हेयर सेटिंग हम कैसे करते हैं, तो थोड़ी सी वीडियो फास्ट होती है क्योंकि कटिंग के साथ साथ अगर सेटिंग भी बता रही हूँ तो आप साथ में अगर सीख रहे हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। अगर ऐसा है तो मैं इससे लॉन्ग हेयर की जब मैं कटिंग करूँगी तो उसके साथ भी ये सेट वाला वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी, अगर आपको नीड रहेगा सीखने का। तो हमें एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये फाइनल लुक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको जितना भी इस पर उंगली इधर उधर करूँगी उतना ही ज़्यादा ये कर्ल बनते जाएगा। सो इस पर कितनी अच्छी साइन आई है। सो साथ में दोनों वीडियो आप देखे ही थे बिफोर एंड आफ्टर का, कि हेयर पे साइन भी प्रॉपर आती है एंड हेयर की जो लुक होती है वो बिल्कुल अलग दिखती है। सो कटिंग अगर आप नहीं भी ले रहे हैं, किसी तरीके की पार्टी फंक्शन में आप जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अगर करवाते हैं तो हेयर पे साइन भी आ जाती है एंड ये प्रॉपर हेयर की लुक भी अच्छी बन जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। मैं बार बार बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि वीडियो तो आप लोग देखते हैं, व्यू तो हमारा वीडियो का अच्छा खासा जाता है, बट सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एंड मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि आप लोग घर बैठे भी इस तरीके की हेयर कटिंग एंड सेटिंग को सीख सकते हैं। फाइनल लुक आप देख ही सकते हैं कि जिनके ऊपर हम कट किए हैं ये कितनी प्यारी है, कितनी खुश हैं, एंड इनके ऊपर ये हेयर कटिंग सूट भी कर रहा था। सो ये काफ़ी खुश थे। एंड इस तरीके की हेयर कटिंग अगर आपको भी सीखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लें, एंड इस पे जो भी बताई हुई है कटिंग की वीडियो जितनी भी डाली हुई है वो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगी। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप लोकेशन नहीं देते हैं, लोकेशन भेजिए एंड आप कहाँ से हैं। सो मैं बता दूँ, मैं पटना रामकृष्णा नगर से हूँ। अगर आसपास से हैं तो आप हेयर कटिंग करवा सकते हैं पार्लर पर आके। अगर रेट पूछते हैं तो 350 से हमारे यहाँ कटिंग की रेट स्टार्ट होती है, वो स्टार्टिंग रेट है। आप जिस तरीके की हेयर कटिंग लेना चाहते हैं तो उस पर रेट बढ़ती है।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।